इंदौर में कला संकुल और गांधी हाल अब नए स्वरूप में जनता के सामने होंगे। इनमें काम तेजी से करवाए जा रहे हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के साथ स्मार्ट सिटी कार्यपालनी निदेशक प्रतिभा पाल ने कला संकुल भवन और गांधी हॉल के कार्यों का अवलोकन किया। अवलोकन अवसर पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और सांसद सुमित्रा महाजन ने पहले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन कला संकुल भवन को देखा। पूर्व सांसद ने निर्माणाधीन कला संकुल में निरीक्षण के दौरान प्रगति की जानकारी ली। पूर्व सांसद महाजन ने गांधी हाल में किए गए कार्यों की नजदीकी से देखा और प्रसन्नता जाहिर की। स्मार्ट सिटी कार्यपालनी निदेशक प्रतिभा पाल ने बताया कि 22 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कला संकुल भवन का निर्माण किया जा रहा है। गांधी हाल जीर्णोद्धार पूर्ण हो गया है। इस अवसर पर स्मार्ट सिटी CEO अदिति गर्ग, पूर्व सभापति अजय सिंह नरुका, पूर्व MIC सदस्य सुधीर डेगड़े सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। ताई ने जो आज का विजिट किया है, बेसिकली वो उनकी बहुत रुचि के विषय हैं और वो जब भी कहीं मिलती हैं तो हमेशा इन दो प्रोजेक्ट्स के विषय में पूछती रहती हैं। हालांकि जो अपने जितने भी हेरिटेज कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट हैं उनके प्रति उनकी विशेष रुचि रहती है, तो ये दो प्रोजेक्ट्स का जो आज विजिट किया है उनका उद्देश्य था कि कला संकुल की जो परिकल्पना थी, जिस तरीके से प्लान किया था, उसी तरीके से निर्माण कार्य करे जा रहे हैं और उसी तरीके से उनके फैब्रिकेशन, उनकी ऑपरेशन के लिए कमिटीज़ का बनाना, किस तरीके के हॉल में क्या चीज़ें रहेंगी, तो इन सभी चीज़ों को लेकर आज उनका विजिट था। उन्होंने कई सारे इसमें निर्देश भी दिए हैं, कई सारे सजेशंस भी दिए हैं। और गांधी हॉल का जो विजिट था, चूँकि गांधी हॉल का इंटरनल रेनोवेशन का काम, रेस्टोरेशन का काम पूरा कम्प्लीट हो चुका है, उसको देख कर, चूँकि उनके जिन लोगों ने पुराने स्वरूप में देखा होगा उनकी अपनी अलग एक इमेज होती है पुरानी वाली जो देखी है, तो उसको लेकर उन्होंने प्रसन्नता भी जाहिर की कि जिस तरीके से टाउन हॉल को उन्होंने पुराने देखा था उसी तरीका का टाउन हॉल वापस से रेस्टोर हुआ है। वापस जो बाहर का काम है, कुछ काम अंडरग्राउंड केबलिंग का बचा हुआ है, कुछ लैंडस्केप का बचा हुआ है, वो भी हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे ताकि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो मूर्त रूप में दिखाई देने लगे और ये लोगों के उपयोग में भी आना शुरू हो गया। मैम, कला संकुल की डेडलाइन क्या रखी है? कला संकुल में चूँकि मल्टीपल काम है, उसमें मल्टीपल हॉल्स बनने हैं, थिएटर्स बनने हैं, डॉर्मेट्री है, पार्किंग है, तो सभी चीज़ें मल्टीपल काम हैं। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उसकी टाइमलाइन है वो नेक्स्ट क्या मतलब आने वाला दिसंबर 21 जो है वो उसकी नेक्स्ट टाइमलाइन है और वहाँ पर ये सभी गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।